तो अब समझते हैं दोस्तों गूगल सर्च कंसोल क्या है और गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल एक टूल्स है जो गूगल का प्रीमियम प्रोडक्ट है जो फ्रीमियम में दिया जाता है। अगर आप सर्च कंसोल को यूज नहीं करते हैं तो आप टेक्निकली जो आपकी वेबसाइट होगा या आपकी जो ब्लॉग होगा उसको आप ग्रो नहीं कर सकते। What is Google Search Console? Google Search Console क्या है? अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, तो Google Search Console के बारे में आप जानते हैं। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर नहीं भी है तो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो Google Search Console एक टूल्स है जो Google का प्रीमियम प्रोडक्ट है जो फ्रीमियम में दिया जाता है, मतलब फ्री में देते हैं Google, ताकि उस सर्च कंसोल को आप यूज करके आपकी जो वेबसाइट या आपकी जो ब्लॉग है उसको आप पब्लिश कर पाए गूगल सर्च इंजिन में, या तो आप गूगल सर्च इंजिन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे सर्च इंजिन हैं जिसको बोलते हैं बिंग, याहू, इंडेक्स, ऐसे और भी बहुत सारे सर्च इंजिन हैं। अगर मैं बोलूं तो बोलते बोलते खत्म नहीं होगा, लगभग 18 सर्च इंजिन है गूगल की तरह और भी, जो मेनली हम सिर्फ गूगल को जानते हैं और गूगल को यूज करते हैं एज ए सर्च इंजिन। तो अब समझते हैं दोस्तों गूगल सर्च कंसोल क्या है और गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्या हेल्प हो सकता है आपका जो आपकी वेबसाइट और ब्लॉग को प्रमोट करने में, ग्रो करने में। नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पे हम रेगुलर बेसिस पे डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की बातें करते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारी YouTube चैनल को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के एक्सपर्ट बन पाए और आने वाले टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप जॉब कर पाए। अगर आपको जॉब नहीं करना है तो आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, और साथ ही साथ आप बहुत सारा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट भी कर सके। तो दोस्तों क्विकली समझते हैं व्हाट इज सर्च कंसोल, सर्च कंसोल आखिर कैसे काम करता है और सर्च कंसोल की क्या क्या फायदा आप उठा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपकी सर्च कंसोल की जरूरत नहीं है तो क्या होगा। अगर आप सर्च कंसोल को यूज नहीं करते हैं तो आप टेक्निकली जो आपकी वेबसाइट होगा या आपकी जो ब्लॉग होगा उसको आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि सर्च कंसोल में जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे, गूगल को आप सिग्नल नहीं देंगे, इंडिकेट नहीं देंगे कि आपने एक वेबसाइट बनाया या आपने एक ब्लॉग बनाया, कि आप गूगल आपकी बॉट को भेजिए हमारी वेबसाइट या हमारी ब्लॉग पे, तब तक गूगल आपकी जो सर्चेस में उसको शो नहीं करेगा, उसको रैंकिंग नहीं कराएगा, आपकी वेबसाइट या आपकी ब्लॉग ग्रो नहीं करेंगे। तो सर्च कंसोल अगर नहीं होगा तो आपका वेबसाइट या ब्लॉग की ग्रो करना इम्पॉसिबल है, इसको आप ग्रो नहीं कर सकते बिना सर्च कंसोल की सबमिशन की। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि सर्च कंसोल कितना जरूरी है। अब बात करते हैं कि सर्च कंसोल के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्च कंसोल को यूज कैसे किया जाता है। तो इसके ऊपर मैं टेक्निकल एक वीडियो बनाऊंगा, जो सर्च कंसोल टेक्निकली जो आपको सिस्टम पे लेके जाके मैं दिखाऊंगा कि सर्च कंसोल को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे फंक्शनिंग करते हैं, और इसको आप यूटिलाइज करके अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को कैसे काम करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं, इसके ऊपर मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाके डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में देख सकते हैं, वहां पे आपको टेक्निकल वीडियो सर्च कंसोल की वीडियो मिल जाएगा। और ऐसे भी मैं आई बटन पे भी सर्च कंसोल की वीडियो को लगा दूंगा, आप वहां पे भी क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को खत्म करने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं थ्योरेटिकल आपको इंफॉर्मेशन दूंगा सर्च कंसोल की, और टेक्निकली अगर आपको जानना है सर्च कंसोल तो आपको मैंने जैसे सजेशन दिया आप हमारी वीडियो टेक्निकल वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, सर्च कंसोल की जो वीडियो मैंने बना के रखा है। तो आप समझते हैं थ्योरेटिकली सर्च कंसोल की क्या फंक्शन है और कैसे आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो सर्च कंसोल एक तरह की एक टूल से गूगल की, जहां पे हमारी जो डोमेन है, जो डोमेन की अथॉरिटी देना पड़ता है गूगल सर्च कंसोल को। डोमेन अथॉरिटी क्या है कि आपका पास एक www.abc.in या abc.com एक वेबसाइट या एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग को आपको गूगल पे जाना है, गूगल सर्च कंसोल सर्च करना है, वहां पे उस लिंक पे क्लिक करके अपने आप को साइन अप करना है। जब अपने आप को आप साइन अप करेंगे वहां पे आपको परमिशन मिल जाएगा कि आप अपने जो वेबसाइट है या ब्लॉग है उसको आप सबमिट कर पाए। तो आप उसको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा गूगल की तरफ से, सर्च कंसोल की तरफ से, उनको आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। उसको फॉलो करने के बाद
आप क्या करना है, उस डोमेन को अथॉरिटी देना है और आप उसको सबमिट कर देना है। जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो आप तुरंत ही देख सकते हैं विद इन ए सेकेंड कि आपका सबमिशन हो गया, सबमिशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट को मॉनिटर करना है तो थोड़ा दिन आपको वेट करना पड़ेगा, अनदर 10 to 15 days। इन ए मीन टाइम आप अपना SEO, आप अपना एडवर्ड्स या आपके गूगल के जितने भी प्रोडक्ट को आप सर्च इंजिन में रिफ्लेक्ट करने के लिए ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO सारे चीज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उसको जारी रखिए, उसको कंटिन्यू रखिए, आप करते जाइए। बाकी सर्च इंजिन का जो फंक्शन है, जो सर्च कंसोल का फंक्शन है, वो आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा विद इन ए वीक्स टू 10 days ऑफ टाइम। तो आप अपना काम को कंटिन्यू रखिए, आपको सर्च कंसोल इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देता है, आपको हफ्ते 10 दिन में डेफिनेटली आपको वो फंक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसको फंक्शन देखते हैं तो कैसे देख सकते हैं, ये भी मैं थोड़ा आपको सजेशन दे देता हूँ। आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको जो लॉगिन होगा, जो यूजर आईडी होगा आपके पास, जो साइन इन करके आप जो अंदर घुसेंगे, जब आपको सर्च कंसोल में एक्सेस मिलता है यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, उसके अंदर आपको जाना है। और जाने के बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो सर्च कंसोल के जो फंक्शंस है, लास्ट 1 week या 10 days के बाद जब आप घुसेंगे सर्च कंसोल के अंदर, तब वहाँ पे आपके जो भी विजिटर्स होंगे उन विजिटर्स को आप देख सकते हैं कितने टाइम पे आए हैं, कब आए, कौन से कंट्री से आए, कौन से लोकेशन से आए, कौन से एज जेंडर है, वो सारे फंक्शंस मेल है फीमेल है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं सर्च कंसोल के अंदर जाके डैशबोर्ड में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा कि सर्च कंसोल कैसे है और क्या है और कैसे काम करता है। तो अगर आपको इस तरह से और भी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, सर्च इंजन के रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो करिए, हमारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको इस नॉलेज से थोड़ा भी वैल्यू मिले तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, अपने अपनों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपकी फेसबुक प्रोफाइल और आपके व्हाट्सअप स्टेटस को भी आप यूज़ करके भी उन तक शेयर करके इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आपके शेयर में बहुत ताकत है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसा एक नई वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।